हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही अलग तरीके से चने की सब्जी। तो यहाँ मैंने चने को रात में भिगो रखा था। चना बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है और बिल्कुल फ्रेश चना है। और यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हुए हैं 4, 4 प्याज, 2 लहसुन। तो आइए फ्रेंड्स, बनाते हैं इस सब्जी को और जानते हैं कि इसे हम किस तरीके से बना रहे हैं। अगर आपको जानना है तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं सब्जी को। हमने गैस पे एक स्टैंड रख दिया है जिसके ऊपर हम प्याज को रखेंगे। एक एक करके प्याज को अच्छे से इस पे रख देंगे और इसके साइड साइड में हम टमाटर को रख देंगे। हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। इसके ऊपर 2 लहसुन को रख देंगे और इसे हम रोस्ट होने देते हैं। फ्रेंड्स, जितना धीमा आंच करके आप इसे रोस्ट करेंगे उतना ही अच्छे से ये रोस्ट होगा। और पलटने के लिए इसे हाथों से आप नहीं पलटे, चिमटे की मदद से इस तरीके से इसे पलटें। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। और चना का सब्जी एक ही तरीके से खा के घर में सब लोग बोर हो जाते हैं। देखिए, मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम सेक रहे हैं। तो इसे हम सेकेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्याज टमाटर है सिक चुका है। इसे हम अभी गैस को बंद कर देते हैं और गैस को हम ऑफ करते हैं। ज़्यादा नहीं सेकना है, मैंने जितना सेकना था सेक लिया है टेस्ट में इन्हेंस के लिए। तो आइए बनाते हैं सब्जी को। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने चने को बाउल में छान लिया है, सारे चने को। अभी इस प्लेट में पके हुए टमाटर प्याज को रख देंगे। इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा, तो बाकी आगे की प्रोसीजर कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर मैंने सेक के रखा है इसे बहुत इजीली हम कट कर लेंगे इस तरीके से। काफी थोड़ा गर्म है ये, तो इस तरीके से इसे हम कट कर लेंगे। ये पीछे वाला जो भाग है इसे निकाल देंगे। तो टमाटर को मैंने काट लिया है फ्रेंड्स, अभी हम काटेंगे प्याज को। आपको जो भी एंगल पसंद है उस एंगल में इसे आप कट कर सकते हैं। देखिए, इसमें से वाफ निकल रहा है। हमने प्याज को भी इसी तरीके से काट लेना है। चाकू जिधर से भी मुड़ जाए आप उधर से इसे कटिंग कर सकते हैं, कोई भी इसमें वो नहीं है। प्याज टमाटर को इसी तरीके से काट लेना है। हमने गैस पे कुकर रख दिया है, इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं हींग थोड़ा सा। और मैंने 2 तरह का लहसुन लिया है, एक सेका हुआ और एक ऐसा इस तरीके का छिला हुआ। और इसके बाद फ्रेंड्स में डालेंगे सूखा मिर्च, थोड़ा सा टूटा हुआ तेज पत्ता थोड़ा सा भून लेंगे। तो हमने यहाँ लहसुन और मिर्ची को भून लिया है। अभी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं फ्रेंड्स कटा हुआ टमाटर और प्याज। तो हमने प्याज टमाटर को डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम गलने देते हैं। यह हमने लिया है क्रश किया हुआ अदरक 1 इंच के करीब। यह मैंने 3 बड़े साइज के आलू को कट कर लिया है और चने को धो लिया है अच्छे से 2-3 पानी। तो अभी प्याज टमाटर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाता है, फिर हम सब्जी को बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ गरम मसाले लिए हुए हैं जिसमें जीरा है, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है और जावित्री है, काली मिर्च है, लौंग है। तो इसे हम दरदरा सा कूट लेंगे या पीस लेंगे। तो आइए इसे पीस लेते हैं।
और ये जो प्याज टमाटर हैं आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन भी चुके हैं। अभी इसमें हम उस मसालों को ऐड करेंगे, तो आइए पहले गरम मसाले को कूट लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप रख सकते हो आपको कितना खाना है। थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सिर्फ कलर के लिए होता है, इसमें कोई भी तीखापन नहीं होता है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसका टेस्ट बहुत अलग आता है, इस सब्जी का भुना भुना सा टेस्ट आता है। तो अभी नमक हल्दी और कश्मीरी मिर्च डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है। फ्रेंड्स एक चम्मच में डाल रही हूँ यहाँ सब्जी मसाला, इसमें मिक्स मसाले हैं, सब कुछ पीसे हुए हैं, और इसे हम मिक्स करके 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाले में कोई भी कच्चापन ना रहे, बहुत अच्छे से भून जाए मसाला। तो जो भी चीज़ें मैंने डाली है उसे थोड़ा हम भूनेंगे 5 मिनट जितना। यकीन मानिए फ्रेंड्स इस तरीके की आप सब्जी बनाएंगे तो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे खाने टाइम, या कोई भी बोर नहीं होगा, आप हमेशा चने की सब्जी बनाने के लिए इस तरीके से सोचेंगे। तो यहाँ हमने इस मसाले को 5 मिनट हमें भूनते हुए हो चुका है, अभी इसमें हमें क्या डालना है, कटा हुआ आलू। आलू को भी मसालों पे अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। यहाँ हमने आलू को डाल दिया है मसालों के अंदर, और देखिए आलू भी मसालों में कैसे घुल मिल गया है बहुत अच्छे से। अभी हम इसमें चने को डालेंगे। चने को डालने के बाद अच्छे से इसे चलाएंगे और मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को, और चने को थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे, गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाएंगे। तो यहाँ हमने चने को भून लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चने एकदम अच्छे से भून चुके हैं यहाँ पे। और इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, पानी ग्रेवी के लिए जरूरी है। तो आपको कितनी ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, फिर इसे चला लूँगी और एक बार चेक कर लूँगी कि हमें और कितनी पानी की ज़रूरत है। थोड़ा पानी हमें और चाहिए क्योंकि मैं सीटी लेने वाली हूँ, तो थोड़ी सी पानी हमें और चाहिए। तो यहाँ हमने पानी डाल दिया है फ्रेंड्स, और पानी को डालने के बाद क्या करेंगे, कुटा हुआ जो गरम मसाला है ये रहा, इसको हम इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा इसे चला देंगे, और इसे कुकर को हम अच्छे से सेट कर देंगे। 3 सीटी हमें लगानी है, 3 सीटी बाद आइए फ्रेंड्स चेक करते हैं। फ्रेंड्स सब्जी में 3 सीटी आ चुका है, आइए चेक कर लेते हैं। मैंने कुकर को खोल लिया है, तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स सब्जी कितना लजीज, कितना टेस्टी, कितना कलरफुल दिख रहा है, और प्याज जो है 2 प्याजा के स्टाइल में दिख रहा है ये प्याज इस तरीके से। तो इसे हम कलछिल की मदद से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सब्जी को मैंने मसल लिया है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बना हुआ है। फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं, अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो आइए सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो ये है हमारी भुने हुए टमाटर प्याज की चने वाली सब्जी। तो कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी फ्रेंड्स, हमें जरूर बताएं कमेंट के साथ। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।